हाय गाइस, आज जो सिलकनिक का जो मैग्नम का वीडियो आप देखे हैं उसका मैं टेम्परेरी इंस्टॉलेशन आज किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा टेस्ट बेड है, कम ऑफिस है। तो यहाँ पे चार बैटरी तो है लेकिन 24 वोल्ट में कनेक्ट है, दो सीरीज दो पैरेलल में। तो टोटल डिटेल्स मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मेरा जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है मेरा घर का, उनका जो एसी बॉक्स है वहाँ पर मैं कनेक्शन किया हूँ, और बैटरी का एक केबल खुला हुआ है, एक केबल इधर लगाया हूँ, मतलब यहाँ पे और एक एमसीबी देके मैं कनेक्शन किया हूँ। तो ये वीडियो में थोड़ा बहुत इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। हाय, मैं हूँ कृष्णेंदु और सूर्यतपन सोलर में आपका स्वागत है। सिलकोनिक के तरफ से नया मॉडल लॉन्च किया गया है जो कि है सिलकोनिक का मैग्नम। ये है मैग्नम का 3.5 KB है, इसको छोड़ के और 2.5 KB है और 5.5 KB है, टोटल तीन साइजेस में आता है। तो जैसे कि आप अनबॉक्सिंग वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या क्या इसके साथ मिलता है, पोर्ट्स वगैरह भी देख लिए हैं, इन्वर्टर का टोटल लुक और पोर्ट्स वगैरह कहाँ पे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि बैटरी का कनेक्शन करने के लिए आपको ये जो गाड़ी का गैरेज में भी मिलता है या फिर कोई भी पार्ट्स दुकान में आपको मिलेगा, ये एल नट बोल्ट और ये जो 14 नंबर का जो गुटी पाना है, मतलब लोकली इसको गुटी पाना बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलता है मेरे को याद नहीं आ रहा, जो भी हो तो ये 14 mm का पाना चाहिए। और ये खोलने वाला सेटअप है, यहाँ पर भी खुलता है और ये भी खुलता है, तो इससे आपको बैटरी केबल जो है कनेक्ट करना है इसका अंदर। तो ये था छोटा एक सा बात, और मैं अभी आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सोलर इन्वर्टर का सोलर साइड का स्पेसिफिकेशन बात करेंगे, जिसमें आपको 6 किलो का पैनल कैपेसिटी देखने को मिलता है जो कि 6000 वाट, बहुत ही बढ़िया नंबर है। ये 3.5 KVA में आप 6 किलो पैनल, मतलब फ्यूचर एक्सपेंडेबिलिटी बहुत है। और सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो मैटर है, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर 100 एम्पियर में बैटरी चार्ज कर सकता है, हालांकि ये 24 वोल्ट का सेटअप है, 24 वोल्ट में भी ये 100 एम्पियर में सोलर से चार्ज कर पाएगा। और ग्रिड का चार्जिंग का बात करेंगे तो 80 एम्पियर में चार्ज करेगा, लेकिन ये मैक्सिमम ग्रिड और सोलर में मिला के 100 एम्पियर से ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा। आप सोलर का 100 और इलेक्ट्रिक का 80 पकड़ेंगे, मतलब ग्रिड का, तो टोटल 180 होता है, लेकिन 180 में टोटल ये चार्ज नहीं कर पाएगा, ये मैक्सिमम एट ए टाइम 100 एम्पियर से ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा, सोलर या ग्रिड दोनों का अगर मिला के भी बात करते हैं तो। और ये तो सारा सोलर का मैटर, और इसका जो सोलर का जो MPPT रेंज है, MPPT रेंज है 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट, आप VOC 500 वोल्ट तक रख सकते हैं, लेकिन MPPT का वर्किंग रेंज है 120 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट। हालांकि ये 120 का स्टार्टिंग वोल्टेज है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 200 के आसपास, जो अंडर द लोड या फिर VMP आप जो बोलते हैं, इसमें 200 का ऊपर रखने का कोशिश कीजिए, तो कि इसका जो MPPT है थोड़ा अच्छा काम कर लेता है। अभी इसका कैपेसिटी तो आप जान ही चुका है कि 3.5 KVA का इन्वर्टर है तो 3.5 kW का लोड लेगा। वैसे इसका और बाकी जो दो वेरिएंट है 2.5 KVA और 5.5 KVA, यहाँ पे 2.5 KVA और 3.5 KVA दोनों 24 वोल्ट में आता है, और 5.5 KVA जो है वो 48 वोल्ट में आता है, 48 वोल्ट में। 2.5 KVA का जो पैनल कैपेसिटी है वो 4 किलो है, और ये 3.5 में आपको 6 किलो का पैनल कैपेसिटी मिलता है, और 5.5 में आपको 6 किलो का पैनल कैपेसिटी मिलता है। और ये 3.5 KVA का सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसका जो बटन्स है यहाँ पे डिस्प्ले में, सब टच बटन्स है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और पावर बटन भी यहाँ पर है। ये 3.5 KVA का जो मैग्नम सोलर इन्वर्टर है सिलकोनिक की तरफ से, इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप इसमें लिथियम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप फ्यूचर में इसमें अगर लिथियम बैटरी कनेक्ट करना चाहेंगे तो इसके लिए भी ये सपोर्ट हो जाएगा। और जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन वगैरह रहता है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जैसे कि ये प्योर साइनेबल इन्वर्टर है, ये तो हर कोई इन्वर्टर में है। आपका इस इन्वर्टर में बैटरी रेगुलेशन है, जो बैटरी का जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर देता है। बैटरी रेगुलेशन क्या है आपको अगर ये पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, बैटरी दो या चार बैटरी जो भी कनेक्ट रहता है वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत इनइक्वल या फिर अनबैलेंस चार्ज हो जाता है अगर, तो बैटरी रेगुलेशन क्या करता है, वो सारे बैटरी को इक्वली चार्ज कर लेता है, इक्वलाइज कर लेता है चार्ज को। तो क्या होता है कि कोई बैटरी कम चार्ज होता है, कोई बैटरी ज़्यादा चार्ज होने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है और बैटरी डिसबैलेंस होकर बैटरी खराब होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे बैटरी इक्वलाइजेशन अगर आप पीरियोडिकली सेट करके रखते हैं, ये ऑटोमेटिकली इक्वलाइजेशन कर लेगा, और बैटरी का जो चार्जिंग लेवल है हर बैटरी में आपको सेम देखने को मिलेगा, इसमें आपका बैटरी का लाइफ एक्सपेंड होता है।
क्योंकि अगर कोई बैटरी कम चार्ज होता है, कोई ज़्यादा चार्ज होता है, तो क्या होता है, कम चार्ज होने वाले बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है और ज़्यादा चार्ज होने वाला बैटरी में ओवर चार्ज हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। और बैटरी का बात करें, ये 24 वोल्ट का सेटअप जो है, मतलब 3.5 kV का मैं अगर बात करूँ, तो इसमें आप 150 एम्पीयर का एक साइड का बैटरी लगाते हैं, तो आप आराम से 20 बैटरी लगा सकते हैं, मतलब 10 पैरेलल में रहेगा और 2 सीरीज में रहेगा, ऐसा टोटल 20 बैटरी आप लगा सकते हैं। और अगर आप 200 एम्पीयर का बैटरी लगाते हैं, तो आप करीब 16 से 18 बैटरी आराम से लगा सकते हैं। और अगर आप शुरुआती दौर में सिर्फ 2 बैटरी के साथ शुरू करना चाहेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा कि एटलीस्ट 200 एम्पीयर का बैटरी डालिए, और कोशिश कीजिए उसमें 2.5 से 3 किलो से ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि आपका बैटरी 2.5 से 3 किलो लोड हैंडल करने के लिए रेडी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, 150 एम्पीयर का बैटरी में सेलकॉनिक से बोलता है कि 1 किलो का लोड मैक्सिमम उठाना चाहिए, तो उस हिसाब से 120 एम्पीयर के आसपास, 120-125 एम्पीयर के आसपास हो जाता है। तो ये 200 एम्पीयर का बैटरी जो है, पार बैटरी आपका लोड आ जाएगा, अगर 3 किलो डालते हैं तो 1.5 किलो करके पार बैटरी लोड आएगा, तो इसमें क्या होगा कि बैटरी का जो लाइफ है वो हैम्पर होगा। इसीलिए आप अगर इसमें टोटल 3.5 किलो लोड देना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 150 एम्पीयर का एटलीस्ट 4 बैटरी लगाइए, या फिर 200 एम्पीयर का एटलीस्ट 4 बैटरी लगे, तो उसमें बहुत बढ़िया होता है कि बैटरी का बैकअप भी आपको ज़्यादा मिलेगा और बैटरी का लाइफ भी आपको ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा। और वैसे भी 90% प्योर सोलर से चार्ज होने से बैटरी का लाइफ ज़्यादा होता है, इसलिए सोलर बैटरी में ज़्यादा वारंटी दिया जाता है। ठीक है, एक्साइड का कैपेबिलिटी बहुत रहता है, यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रांड रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, क्योंकि एक्साइड बहुत ही, वाकई बहुत बढ़िया ब्रांड है, और उसका फॉल्ट टॉलरेंस बहुत कम है, बहुत कम बोले तो एकदम ना के बराबर। लेकिन इस नंबर 2 पोजीशन में आपको मिलेगा लुमिनस, प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक्साइड बहुत बढ़िया काम करता है। तो सोलर एरे का बात मैं अगर करूँ, तो आप मैक्सिमम कितना पैनल सीरीज में डाल सकते हैं, है तो ये 500 वोल्ट VOC वाला, तो अगर आप मोनोपार्क हाफ कट यूज़ करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 9 पैनल सीरीज करना होगा, मिनिमम 5 पैनल, ठीक है, मोनोपार्क हाफ कट। अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन यूज़ कर रहे हैं, तो आप 10 पैनल सीरीज कर सकते हैं मैक्सिमम, ये इन्वर्टर एफिशिएंटली काम कराने के लिए, और मिनिमम आपको 6 पैनल सीरीज करना पड़ेगा। अगर आप इसके साथ मोनोपार्क हाफ कट यूज़ करना चाहते हैं 450 का, आप अप टू 14 पैनल जा सकते हैं, जो कि 6300 वाट होता है, तो 200-300 वाट एक्स्ट्रा रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 14 पैनल जब आप इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें 2 स्ट्रीम होगा, 7 करके 2 स्ट्रीम होगा, 7 करके 2 स्ट्रीम, दोनों स्ट्रिंग पैरेलल होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव पैरेलल होके इन्वर्टर में आएगा भाया डीसी बॉक्स, यहाँ पे एसी डीसी बॉक्स एक साथ ही मिलता है आपको। अच्छा, तो ये इन्वर्टर का जैसे कि सर्ज कैपेसिटी भी है ऑलरेडी 200% सर्ज कैपेसिटी, मतलब 3.5 kVA का इन्वर्टर आपका 7000 VA, मतलब 7 kVA तक का सर्ज झेलता है, तो उसी हिसाब से 5 सेकेंड के लिए ये लोड लेगा। और ये इन्वर्टर ऑप्शनल बैटरी के साथ आता है, आप बैटरी इंस्टॉल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इंस्टॉल में करने के लिए रिकमेंड करूंगा। वो क्यों, अगर आप बैटरी यूज़ नहीं करते हैं, मान के चलिए आपके वहाँ पे पावर कट है, जिनके पास पावर कट ज़्यादा नहीं होता है उनके लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे टाइम आपका पावर सेव होगा, लेकिन आपका पावर कट का जो इशू है अगर आपका एरिया में, तो आपको बैटरी डालना ही पड़ेगा। वो क्यों, इसका अंदर जो मॉसफेट्स है, मॉसफेट बैटरी नहीं डालने से उसके ऊपर क्या प्रेशर पड़ता है जब पावर कट होता है, तो उसमें ये जो प्रेशर है, ये बार बार होने के बाद वो क्या करता है कि इन्वर्टर को डेड बना देता है, जो इन्वर्टर का मेन पार्ट है मॉसफेट, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। मान के चलिए ये इसका लाइफ एक्सपेक्टेड है 15 साल, ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर वो ख़राब हो जाएगा। तो बैटरी रहने से क्या होता है कि इसमें सपोर्ट मिलता है, अगर इन द केस ऑफ पावर कट, वो बैटरी से सपोर्ट लेके और सोलर का सपोर्ट लेके आपको लोड देगा, लेकिन सोलर कभी भी स्टेबल नहीं होता है। मेन जो ये जो सोलर का जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी क्या होता है, डायरेक्ट लोड देने के लिए कैपेबल नहीं होता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि पंप चलता है, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी अलग है, झटका वगैरह या फिर जो सडन अप डाउन होता है वहाँ पे, उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन आपका घर में जब पावर कट रहेगा, आपको तो पता नहीं चलेगा पावर कट हुआ कि नहीं, तो क्या होगा, कोई कुछ चीज़ चलाएगा तो अचानक सोलर रैंप अप करने की कोशिश करेगा, लेकिन सोलर रैंप अप करने में MPPT में एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट टाइम लगता है, तो उतना टाइम बैकअप देने के लिए बैटरी अगर नहीं रहेगा, तो ये इन्वर्टर अचानक शट डाउन हो जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है जो आपको, इन्वर्टर जो आपका है
उसका जो लाइफ है बहुत फास्ट डिग्रेड कर देता है। जो क्या होगा, फाइनली ये इन्वर्टर डेड हो जाएगा धीरे धीरे करके या डैमेज होते होते। ये तो बता दिया ये ऑप्शनल बैटरी वाला इन्वर्टर है। और इसमें बहुत बढ़िया सा एक फैसिलिटी है जो कि है ग्रिड मिक्सिंग, ग्रिड एंड सोलर मिक्सिंग अगर सच बोलो तो टेक्नोलॉजी। तो ये क्या करता है, ग्रिड के साथ सोलर को मिक्स करके आउटपुट में देता है। मान के चलिए आपका जो लोड है 1 किलो के आसपास, और उस टाइम सोलर से अवेलेबल है करीब 800 वाट, सूरज उठ रहा है या फिर सूरज डूब रहा है, कोई भी कंडीशन हो सकता है, या फिर आप पैनल कम लगाए हो। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि सोलर से 800 वाट आ रहा है और लोड है आपका 1000 वाट का। तो ये क्या करेगा, ग्रिड से 200 वाट लेगा और सोलर से 800 वाट लेके मिक्सिंग करके आउटपुट में देगा। ये एक बहुत बढ़िया सा फीचर्स है। ये फीचर क्या करता है, बहुत सारा सोलर इन्वर्टर से इसको अलग बनाता है। आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, आपका बैटरी भी फुल चार्ज रह सकता है। तो बैटरी यूज़ किए बगैर ये क्या करेगा, ग्रिड और सोलर मिक्सिंग करेगा। ओब्वियसली ये प्रायोरिटी आपको सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। इसमें सारा ऑप्शंस है, वो भी मैं कभी वीडियो में दिखा दूंगा कि क्या क्या यहाँ पे सेटअप मिल जाता है और क्या क्या इसको सेटिंग में मिलता है, क्योंकि ये मैं अभी तक चालू नहीं किया। चालू करके दूंगा तो और भी बढ़िया कुछ जानने को मिलेगा जो मैं बाद में वीडियो में ओब्वियसली शेयर करूँगा। अच्छा, तो एक्सरसाइज के बारे में अगर आपको कुछ सलाह देना है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा जो कि सिलिकॉनिक के साथ आपको मिलता है एसी बॉक्स और डीसी बॉक्स इन बिल्ट, मतलब दोनों एक साथ मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एमसीबी दिया गया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एमसीबी के अलावा एक्सटर्नली एक एसपीडी प्रोटेक्शन देने के लिए। हाँ, ऑलरेडी मैं स्पेसिफिकेशन में नहीं बताया कि इसमें इनबिल्ट सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस भी है जो कि इन्वर्टर का अंदर है, ठीक है। और इन्वर्टर का यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है बैटरी का जो फ्यूज़ है, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 200 एम्पीयर का फ्यूज़ है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि इन्वर्टर का अंदर सब कुछ प्रोटेक्शन है। मान के चलिए कुछ प्रॉब्लम हुआ इन्वर्टर का, सर्ज प्रोटेक्शन नहीं है, इसका अंदर सर्ज प्रोटेक्शन है। तो इनकेस इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको इन्वर्टर को खोल के सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपका वारंटी के अंदर पड़ता है, 2 साल वारंटी के अंदर ये इन्वर्टर पड़ता है। आप अगर इसको खोल के कुछ करेंगे तो आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि एक्सटर्नली प्रोटेक्शन का एक लेयर रखने के लिए, ताकि मान के चलिए यहाँ पे आपका एसपीडी लगा हुआ है, ठीक है, एसपीडी में कुछ खराबी हुआ तो आप तुरंत एसपीडी कार्टिज निकाल के या फिर खरीद के यहाँ पे लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उस टाइम क्या होगा, आपका इन्वर्टर बंद नहीं होगा, ठीक है, आपका इन्वर्टर चलेगा, आपको भेजना नहीं पड़ेगा। ये सोलर के साइड में भी बोलूँगा मैं और ग्रिड के साइड में भी बोलूँगा, एटलीस्ट एसपीडी दो ठो, एक डीसी एसपीडी और एक एसी एसपीडी इस्तेमाल करने के लिए। और सिलिकॉनिक बैटरी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं देता है, सिर्फ बैटरी केबल देता है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि एक एमसीसी भी इंस्टॉल किया जाए बैटरी और इन्वर्टर के बीच में, जो कि आपका इन्वर्टर कोई प्रॉब्लम होता है तो रिसेट करने में बहुत आसान होगा। इन्वर्टर का जो कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर छोटा मोटा कुछ होता है तो रिसेट करना पड़ता है या फिर रीसेट करना पड़ता है, तो रीसेट करने में सुविधा भी होगा और बैटरी प्रोटेक्शन भी रहेगा आपका। हालांकि वो एमसीजीबी का कीमत उतना भी ज़्यादा नहीं है, आप इसके साथ अलग से परचेस कर सकते हैं। आपको अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, आप हमसे ये इन्वर्टर डायरेक्ट परचेस भी कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के बारे में और भी कुछ अगर बात करूँ तो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देना तो चाहिए, वो देने से और भी बढ़िया होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी देते तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँ कि एटलीस्ट एसपीडी आप एक्सटर्नली लगाएं, क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों में प्रोटेक्शन दे देता है। इन्वर्टर को आपको सर्विस सेंटर में हमेशा भेजना नहीं पड़ता है, और वैसे भी एसपीडी लगाएंगे तो आपका इन्वर्टर के साथ साथ आपका घर का अप्लायंस भी सेफ रहता है। आपको जब एसपीडी और एमसीबी के बाद बता भी दिया हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये होता है आपका एसी एसपीडी, ठीक है, और ये होता है डीसी एसपीडी। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखे हैं तो आपको पता चलेगा, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ मेरा पुराना वीडियो में। और बैटरी प्रोटेक्शन के लिए ये एमसीसीबी रहता है, ये एमसीसीबी है 160 एम्पीयर का, जो कि 5 किलो का इन्वर्टर में लगता है। मेरा इन्वर्टर में भी कनेक्ट किया हुआ है, मेरा ये वीडियो भी दिखा दूंगा। और अगर मैं अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का बात करूँ तो ये है अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये टोटली कॉन्फिगरेबल है। यहाँ पे आप कितना वोल्टेज मिनिमम रखना है, मैक्सिमम कितना वोल्टेज रखना है, कितना डिले रखना है, अगर इनके सबका वोल्टेज फ्लक्चुएट हो तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो प्रोटेक्शन एसी के लिए आता है, एसी एसपीडी और यूबीओबी बोलते हैं इसको, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ये दोनों रहने से क्या होता है कि आपका
साइज प्रोटेक्शन भी हो गया और अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हो गया। ये आपका इन्वर्टर के साथ साथ आपका घर का अप्लायंस भी सेफ रखता है। और सोलर का बात करूँ तो सोलर का जो DCMC भी है, DCMC भी इसके साथ दिया गया है। इसके साथ अगर आप एक SPD कनेक्ट कर लेते हैं तो ऑल इन ऑल प्रोटेक्शन हो जाता है। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप सेफली काम करें, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहना बहुत बढ़िया बात होता है। दो दो प्रोटेक्शन रहेगा तो एकदम सेफ रहेगा, क्योंकि एक आउटर लेयर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इनर लेयर भी सेव करने के लिए सही रहता है। तो ये था सिलिकॉनिक का मैग्नम 3.5 KVA का हैंड्स ऑन रिव्यू, और इसके बीच में मैं थोड़ा बहुत 2.5 एंड 5.5 का भी बताया हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिए, और आप अगर इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ आपसे डिस्कस करना था कि ये इन्वर्टर किन किन लोगों के लिए सबसे सही बैठता है। सबसे पहला मैं बोलूँगा कि केबल ऑपरेटर जो है उनको करीब 800 से 1000 वाट के आसपास लोड चाहिए होता है, हमेशा लोड चलता है उनका। केबल का डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट, फाइबर मशीन हो गया या फिर आपका केबल का सारा सर्वर वगैरह हो गया, तो उनको 800 से 1000 वाट के आसपास लोड हमेशा 24 घंटे के लिए बैकअप चाहिए। तो उस हिसाब से आपको करीब 6 से 7 किलो का पैनल लगेगा। तो इसमें 6 किलो का पैनल कैपेसिटी है ऑलरेडी, तो 6 किलो पैनल डालने के लिए आपको पहले 5 किलो का इन्वर्टर चॉइस करना पड़ता था, क्योंकि 3 किलो या फिर 3.5 किलो में कोई 6 किलो पैनल कैपेसिटी वाला इन्वर्टर नहीं था। तो वो गैप में ये इन्वर्टर बहुत बढ़िया रहता है। आप अगर हमेशा 1 किलो या फिर 1200-1400 वाट लेके चलते तो ये सबसे बढ़िया इन्वर्टर है, और 6 किलो पैनल के ज़रिए आप 24/7 जो बैकअप है इसमें अचीव कर सकते हैं। और जो घर में कम से कम 700-1 किलो का लोड 24 घंटा चलता है वो भी इस इन्वर्टर में हो जाएगा। आपको बैटरी का नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा नाइट टाइम में यूज़ करने के लिए, या फिर आपके वहाँ पे ग्रिड नहीं है टोटल, आपको मान के चलिए एक ठो AC चलाना है, साथ साथ एक सबमर्सिबल पंप चलाना है 1 HP का, या फिर आपका करीब घर का लाइट फैन का लोड मिला के 1000 वाट हो गया, मतलब टोटल लेके बात कर रहा हूँ आपका, या तो फिर AC चलेगा नहीं तो फिर पंप चलेगा, एट अ टाइम दो नहीं चलेगा। AC आप इसमें 2 टन तक इन्वर्टर AC डाल सकते हैं आराम से, और इसमें 1 HP तो आराम से चलेगा, मेरे ख्याल से 1.5 HP भी चल जाएगा, वो थोड़ा चेक करके बताना सही रहेगा मेरे ख्याल से। और आप अगर ये चाहते हैं कि वहाँ पे ग्रिड टोटल नहीं है, टोटली ऑफ ग्रिड इसको यूज़ करना है, तो ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है, क्योंकि आप अगर पहले 2 या 3 किलो पैनल लेके शुरू करते हैं तो बाद में आप 3 किलो पैनल एडअप भी कर सकते हैं। अच्छा, और एक आपको सलाह देना था कि आप अगर ये बैटरी ऑप्शनल बैटरी के तहत खरीद रहे हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें बैटरी लगाएं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि बैटरी और इन्वर्टर और पैनल एक साथ अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उसी हिसाब से मैं क्या बोलूँगा, या तो फिर आप बैटरी और इन्वर्टर पहले लगा लीजिए, ऐसे नॉर्मल इन्वर्टर काम करेगा ये, उसके बाद पैनल लगाइए। और अगर आपको पैनल पहले लगाना है तो बैटरी बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा या फिर प्लानिंग रखिएगा कि 1 से 1.5 महीना 2 महीने के अंदर बैटरी डाल देने के लिए, क्योंकि ये इन्वर्टर का जो लाइफ है वो डैमेज हो सकता है। तो बहुत सारा बातें हो गया, इन्वर्टर को थोड़ा फिटिंग करके टेम्पररी भी हम देख लेंगे। अगर आपको कुछ मन में डाउट है या फिर और भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट्स में जाके आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कमेंट का रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल देने के लिए। और ओबियसली आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, तो वहाँ पर टोटल डिटेल्स मिल जाएगा। तो इन्वर्टर फिटिंग करने के चक्कर में थोड़ा बहुत घर का कंडीशन ख़राब हो गया, उसको आप इग्नोर कीजिए। सुप्रीम का डेमो वाटर हीटर है ये मेरा ऑफिस भी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं ग्रिड कनेक्शन जो है उसको बंद करके रखा हूँ, तो चलिए उसको ऑन भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे SPD और अंडर वोल्टेज वोल्टेज दोनों प्रोटेक्शन होके यहाँ पे आता है। अभी UV कनेक्शन छोड़ दिया है, तो आपको यहाँ पे ग्रिड का जो कनेक्शन दिखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको इन्वर्टर का जो हैंड्स ऑन वीडियो है वहाँ पे आपको बताया था ऑलरेडी कि इसमें ग्रिड मिक्सिंग का फैसिलिटी है। अभी देखिए, अभी ये चेंज ओवर किया, अभी ग्रिड मिक्सिंग करना शुरू कर दिया। ग्रिड मिक्सिंग क्या है, आपका सोलर से बैटरी भी चार्ज होगा और आउटपुट के साथ मिक्स भी होगा, मतलब बैटरी आज के लिए जितना चाहिए उतना हो रहा है और बाकी आपका ग्रिड के साथ मिक्स हो रहा है। ये एनिमेशन में पता चल जाएगा, सोलर से AC DC कन्वर्जन हो रहा है और यहाँ पे बैटरी भी आ रहा है और आउटपुट में भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सोलर से कितना आ रहा है वो अगर देखना चाहूँ, यहाँ पे सब टार्ज बटन्स है, लाइट का थोड़ा इशू है,
हाँ अभी ठीक दिख रहा है कैमरा में। तो मेरा लोड करीब 1.2 1.21 ऐसा कुछ लोड है। अभी मेरा पैनल से अभी आ रहा है 1.43 किलोवाट। ठीक है, बैटरी चार्ज हो रहा है 54 एम्पियर में, मैं इसको 70 एम्पियर में दे के रखा हूँ, मैक्सिमम यूटिलाइज हो थोड़ा देर के लिए। और ये टच बटन का एक बहुत बड़ा बात है कि इसमें लाइट है, जब भी आप प्रेस करोगे लाइट दिखाए, लाइट जलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे 1.4 आपका आ रहा है पीवी से, इसमें बैटरी चार्जिंग ले रहा है 1.38 किलोवाट में से। ठीक है, तो अगर मैं ग्रिड ऑफ कर दूंगा तो बैटरी का जो चार्जिंग एम्पियर है वो घट जाएगा, क्योंकि बैटरी सीवियरली डिस्चार्ज होकर रखा है। मैं जानबूझकर इतना लोड दे के रखा हूँ। अभी आप देखिए बैटरी का जो चार्जिंग कैपेसिटी अभी कम हो गया, ये फिर से चार्ज कंट्रोल स्टार्ट हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रिक में बंद कर दिया, इसलिए फिर से ये रैंप अप हो रहा है बहुत फास्टली। तो बैटरी चार्जिंग कितना वाट में आ रहा है यहाँ पे, बैटरी में जा रहा है 200 वाट के आसपास। ठीक है, मतलब 7 एम्पियर में बैटरी चार्ज हो रहा है, 7-8 एम्पियर में। अभी 2 बजे से ज़्यादा हो गया, और वैसे भी आज धूप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं इसमें 2 किलो या फिर 2.1 किलो तक मैं एट अ टाइम देखा हूँ यहाँ पे जो बन रहा था, तो उस हिसाब से चार्ज कंट्रोलर सही है, प्रॉब्लम उतना है नहीं। तो आपको मैं ये इंस्टॉलेशन का थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसी इनपुट और आउटपुट कनेक्ट किया गया है। ये है एसी इन, अर्थिंग लाइन एंड न्यूट्रल, सेम कलर का वायर यूज़ किया फिर भी हम मार्किंग कर दी है, और यहाँ पे एसी आउटपुट है। ठीक है, तो एक अर्थिंग देने से ही काम बन जाता है फिलहाल टेम्परेरीली। आप अगर परमानेंटली इंस्टॉल करेंगे तो आपको दोनों अर्थिंग देना पड़ेगा, बॉडी का अर्थिंग हमने नहीं दिया, तो शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसे ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोलर का लाइन है यहाँ पे दिया गया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मार्किंग किया हुआ है, देखिए रेड मार्किंग किया हुआ है, सेम कलर का वायर यूज़ किया फिर भी। और ये केबल जो है ये एमसीबी के ज़रिए सोलर पैनल में चला जाता है। ठीक है, टोटल 60 सेल का, टोटल 12 पैनल कनेक्ट है, आपका 72 सेल का होगा तो 10 से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है एक सीरीज में, वो भी पॉली क्रिस्टल लाइन। अगर आप मोनोपार्क हाफ कट यूज़ करते हैं तो 9 पैनल मैक्सिमम सीरीज जाएगा, जैसे कि मैं इन्वर्टर का हैंडसन रिव्यू वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो ये केबल बाहर चला जाता है। और इधर जो आपका बैटरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, उधर 2 बैटरी है और इधर 2 बैटरी है, वो देखिए रेड कलर के जरिए इसको पैरेलल किया गया है, और वहाँ से एमसीसीबी में आता है। ये एमसीसीबी प्रोटेक्शन है, बैटरी प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और नेगेटिव जो है, नेगेटिव वहाँ से नेगेटिव आ रहा है, ये है नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ से आके यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों केबल यहाँ पे जाता है, और नेगेटिव भी पैरेलल आप वहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव पैरेलल किया गया है। ओके, और ये 2 सीरीज है, ये एक सीरीज है, वहाँ पे एक सीरीज है, ये बैटरी का केबल हो गया। और सिलिकॉनिक से जो केबल मिला है, ये केबल सिलिकॉनिक से मिला है 25 स्क्वायर एम का, जो कि हमने इन्वर्टर के अंदर कनेक्ट किया हूँ, और ये एमसीसीबी में कनेक्ट कर दिया, ये आप डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट कर सकते हैं। और सिलिकॉनिक का जो सीरीज करने का जो केबल है वो यही है, 2 बैटरी का सेटअप है, इसीलिए सिलिकॉनिक ऐसा दिया है। 2 बैटरी को स्विच करने के लिए एक ही केबल चाहिए होगा, और बैटरी से डायरेक्ट इन्वर्टर में आपका बैटरी लाइन चला जाता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है सिलिकॉनिक। अच्छा होगा या फिर बढ़िया होगा कि आप अगर एमसीसीबी का प्रोटेक्शन इसमें इस्तेमाल करें तो बहुत सेफ्टी रहता है। तो अगर ये इन्वर्टर के एफिशिएंसी के बारे में बात करूँ तो एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया है, और इसका जो चार्ज कैपेसिटी है या फिर चार्जिंग कैपेसिटी है वो अच्छा है एज़ पर एमपीपीटी चार्ज कर रहा है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो चार्जिंग का एडप्शन है, मतलब अगर मैं दोपहर को एमसीबी ऑन करता हूँ तो बहुत फास्ट क्या करता है, इसका वाटेज जो एडप्शन हो जाता है, जो मुझे दूसरा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में नहीं मिला। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आता है, ये तो बात सही है, लेकिन इसको जो एडोप्शन, मतलब 0 वाट से लेके 2000 वाट या फिर 5000 जो आपका कैपेसिटी रहेगा वहाँ तक रैंप अप होने में इनको बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये बहुत फास्ट फास्ट उसको एडोप्ट कर लेता है। और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन मेरे को देखने को मिला, हालांकि यहाँ का वेदर, आज मैं जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ या फिर चेकिंग कर रहा हूँ ये इन्वर्टर,
या फिर टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो वेदर उतना क्लियर नहीं है, मैं क्लाउड आ रहा जा रहा है, मतलब बादल आ रहा जा रहा है, तो थोड़ा बहुत वेदर का या फिर सनलाइट का जो रेडिएशन वो कम बेसी हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग ये हो सकता है। तो कुछ देर बाद मैं अभी फिर से दोबारा ये मैटर देखा कि वाटेज का या फिर जो जेनरेशन है वाटेज वो फ्लैक्चुएट हो रहा है कि नहीं। अभी मैं देखा हूँ कि उतना फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है, जब जब मैं शुरू किया था उस टाइम बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा था। तो ये उतना टेंशन लेने वाला बात है नहीं, तो जनरेशन ओबियसली ज़्यादा मिलेगा आपको MPPT में, जैसा होना चाहिए। और इसको छोड़ के इनका जो लोड कैपेसिटी है, ये 3.5 KVA का इन्वर्टर है, तो इसको मैं 3.4 KVA तक मैं लोड चला के आराम से देख चुका हूँ, तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक इंडक्शन कुकर और एक पंप चल रहा था। पंप हमारा जो है वो 1200 से 1300 वाट लोड लेता है, इंडक्शन कुकर जो है करीब 1000 वाट 1100 वाट लोड लेती है। और इसको छोड़ के मेरा कुछ और भी चीज़ें घर में चल रहा था, जो कि है कंप्यूटर्स वगैरह, तो उन सब कुछ मिला के घर का लोड करीब 1100-1200 वाट के आसपास आ रहा था। तो तीनों को मिला के, मतलब घर का लोड, इंडक्शन कुकर और पंप मिला के, ये लोड बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। और विदाउट सोलर एंड विद सोलर दोनों ही मैंने देखा, दोनों में ही लोड कैपेसिटी का बहुत अच्छा है। ओवरऑल इसका जो लोड कैपेसिटी है बहुत ही बढ़िया है, और आपका नॉर्मल घर में जो भी आपका लोड रहता है, बेसिकली क्या रहता है कि 1 HP पंप रहता है चलाने वाला, और या फिर आपका 1 से 1.5 किलो घर का टोटल लोड हो जाता है, तो ये इन्वर्टर बहुत बढ़िया जाता है आपका। और बेसिकली 3.5 किलो नॉर्मल घर के लिए बहुत बढ़िया रहता है, इसमें आप पंप भी चला पाएंगे, AC भी चला पाएंगे। और AC के बारे में अगर बात करूँ, तो यहाँ पे 2 टन इन्वर्टर AC आप आराम से चला सकते हैं आपका घर का 500-700 वाट या 1000 वाट लोड के साथ, ठीक है ना, आराम से ये AC चलेगा। या फिर अगर आप 1.5 टन का AC चलाते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर इन्वर्टर हो, 3.5 KVA मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम घर में ये फिट हो जाएगा, मतलब इंडिया में मेरे ख्याल से 70-80% घरों में ये फिट हो जाएगा। जहाँ पे 2 AC का बात आ जाता है, तो वहाँ पे 3.5 KVA आपका सही नहीं जाएगा, वहाँ पे 5 KVA जाना पड़ेगा। आपका घर में अगर AC 2 भी है, अगर एट अ टाइम एक चलता है, तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैनल का बात करूँ अगर, तो इसमें 6 किलो का पैनल कैपेसिटी है, जो कि बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप बैकअप के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। तो ये इन्वर्टर में अगर सोलर पैनल का मैं बात करूँ, तो ये है टाटा का 250 वाट का पैनल, जो मेरा घर चलता है। 250 वाट का टोटल 12 पीस पैनल है, एग्जैक्टली 3 किलो वाट का पैनल होता है। थोड़ा एक चीज़ आप माइंड ज़रूर कीजिएगा कि ये 60 सेल का पैनल है, तो इसीलिए मैंने 12 पैनल का सीरीज बनाया यहाँ पे। आपका अगर 72 सेल का पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है, तो आपको 9 या 10 से ज़्यादा सीरीज नहीं करना है, एक्चुअली 10 होगा। और ये पैनल का जो VOC है कम है, 60 सेल है इसलिए कम है, इसीलिए मैं 12 पैनल सीरीज किया हूँ। अभी तो 72 सेल का ही पैनल मिलता है, अगर आप 72 सेल का पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल यूज़ करते हैं, तो आप मैक्सिमम 10 पैनल सीरीज कर सकते हैं इस इन्वर्टर में। तो यहाँ पे आप 6 पैनल देख सकते हैं एक रो में है, और इसको छोड़ के और एक रो है मेरा सामने, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये है पैनल्स, 72 सेल वाला 250 वाट का पैनल, 3 किलो पैनल मैंने सीरीज में डाला हूँ। तो मेरा VOC बनता है करीब 410 या 12 के आसपास, तो अभी करीब 2:30 बज रहा है, तो अच्छा खासा धूप है, तो यहाँ पे पैनल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और नीचे वाला जो सीन है बहुत मेसी है, तो पड़ा हुआ है सब, केबल वेबल सब पड़ा हुआ है, अब देखेंगे। तो मैटर क्या है कि यहाँ पे पैनल्स हम उसी हिसाब से कनेक्ट करके रखे हैं कि जो भी इन्वर्टर मुझे रिव्यू करना होगा, वो इन्वर्टर मैं रिव्यू कर पाऊँ या फिर कनेक्शन जो है सीरीज पैरेलल कर पाऊँ। तो यहाँ पे केबल आप देखेंगे, तो इसमें कोई मतलब प्रॉपर तरीके से है नहीं, ऐसे झुला हुआ रहता है, ताकि मैं सीरीज पैरेलल कर पाऊँ। जो लोग मेरा चैनल में बहुत दिन से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि ये सब कैसे इंस्टॉल हुआ, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ स्टेट बेड है मेरा। तो लोड कैपेसिटी दिखाने के लिए आपको मैं क्या अभी क्या कर रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत लोड है, ठीक है, सूरज ढल चुका है ऑलरेडी, अभी बज रहा है 3:30 के आसपास, तो अभी ठंड का मौसम है, तो जल्दी सूरज ढल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ग्रिड ऑफ किया गया है, तो इसमें अभी टोटल लोड है 1.28 किलोवाट लोड है, ठीक है, VA में बोले तो 1.35 VA लोड है। अभी मैं क्या करूँगा, पंप और इंडक्शन का दोनों ऑन करूँगा।
ये मेरा घर का नॉर्मल लोड है, बाकी दो चीज़ ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे इंडक्शन कुकर है हमारा, इसको ऑन करते हैं। तो ये हो गया चालू। तो यहाँ पे हम लोड देखेंगे, 2.3 kV है, अगर किलोवाट में 2.25 kW लोड आ रहा है, यहाँ पे आपको ज़रूर दिख रहा होगा। और बैटरी डिस्चार्ज हो रहा करीब 101 एम्पियर में, ठीक है। अभी पंप चलाना बाकी है, पंप भी चला के देखते हैं। यहाँ पर है हमारा पंप, स्विच ऑन करते हैं और पंप को चालू कर देते। तो अभी ये घर का 1.2 kW लोड या फिर 1.25 kW लोड और एक पंप और एक इंडक्शन सारा लोड ले रहा है, तीनों एक साथ। बैटरी थोड़ा बहुत जल्दी डाउन हो गया क्योंकि लोड आ रहा है, तो बैटरी वोल्टेज कम ही दिखाएगा। अभी बैटरी डिस्चार्ज हो रहा 160 एम्पियर में। आप समझ रहे हैं मैं किस लिए आपको बोला था कि सिर्फ दो बैटरी लगाएंगे तो एटलीस्ट 200 एम्पियर की बैटरी लगाना होगा आपको। यहाँ पे 150 का दो बैटरी पैरेलल में है, ऐसा चार बैटरी है, 150 एम्पियर का चार बैटरी है। यहाँ पे लोड है 3.21 kW के आसपास या फिर 3.19 kW के आसपास, अगर VA में बोले तो 3.19 या फिर 3.21 kVA के आसपास लोड है इसका, ठीक है। अभी इसमें लोड चल रहा है इतना, ओके। तो बैटरी वोल्टेज आपको बहुत सडन ड्रॉप मिलेगा क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो फॉल्ट जल रहा है लेकिन फॉल्ट नहीं है, बैटरी में ज़्यादा लोड होने की वजह से बैटरी का वोल्टेज थोड़ा दब गया है। तो इसमें ज़्यादा बैकअप नहीं देगा, वैसे भी आज दिन में ज़्यादा अच्छा चार्ज नहीं हो पाया क्योंकि वेदर सिचुएशन की वजह से। तो अभी ये सोलर और बैटरी दोनों मिला के लोड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अभी सोलर में कितना आ रहा है हम देख लेते हैं। सोलर में सिर्फ 250 वाट आ रहा है, ठीक है। अभी लगभग शाम हो गया है, अभी धूप भी पूरा सही नहीं है इसीलिए इतना वाटेज आ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया से लोड झेल रहा है अभी भी, हालांकि इसका बैटरी का हालत उतना भी सही नहीं है क्योंकि ये बैटरी ऑलरेडी 6 या 7 साल से ज़्यादा पुराना हो जाएगा, फिर भी ये लोड ले रहा है। एक साइड का बैटरी है तो 150 एम्पियर का बैटरी है, एक साइड बहुत बढ़िया रहता है, आपको तो पता ही है। सो गाइज, इस वीडियो में यही था, ये मैग्नम को थोड़ा इंस्टॉल करके आपको दिखाना था कि क्या क्या इसका लोड कैपेसिटी है, मुझे भी चेक करना था। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ओबियसली सब्सक्राइब कीजिए, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, और सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक्चुअली। तो ऐसा और भी वीडियोज़ अगर आपको देखना है तो ओबियसली यहाँ पर एक आई बटन आएगा इंस्टॉलेशन वीडियोज़, तो वहाँ पे भी आप मेरा इंस्टॉलेशन वीडियोस देख सकते हैं। और आपको अगर ये इन्वर्टर हमसे डायरेक्ट परचेस करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप के जरिए आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं हमें डायरेक्ट। ऐसे ही इन्वर्टर का और भी हैंड्स ऑन रिव्यू, मतलब ये इन्वर्टर का हैंड्स ऑन रिव्यू जो वीडियो है उसका जो लिंक या फिर इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ पर आई बटन में भी मिलेगा। तो आप अगर नए हो इस चैनल को, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आपको जरूर वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।